मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रदेशवासियों को कई राहत दी जा रही है ताकि प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र पर आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा लॉन्च की है, जिससे अब महज एक क्लिक में पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश वासियों के हित में कई नेक योजनाएं चला रही है ताकि प्रदेश की जनता खुशहाल और समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र पर आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब पात्र व्यक्ति महज एक क्लिक से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों को कार्यकाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, साथ ही इस ऑनलाइन सेवा से लोगों को ज्यादा लाभ भी मिलेगा। इस ऑनलाइन सेवा की लॉन्चिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अभी तक 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 19 लाख परिवारों के इनकम PPP के माध्यम से वेरीफाई हो चुकी है, इनका डाटा अपडेट कर दिया गया है और ये परिवार सरल पोर्टल के माध्यम से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए परिवारों की इनकम वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है, जिनकी इनकम वेरिफिकेशन अभी बाकी है। अगर उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र चाहिए तो वो जैसे ही सरल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे, तत्काल प्राथमिकता देते हुए उनकी इनकम वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और जल्द से जल्द उनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। सीएम ने बताया कि सरल पोर्टल से उपलब्ध होने वाले पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र पर ATC के हस्ताक्षर होंगे। इस लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, ACS PK दास, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विमा शंकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता, प्रबंध निदेशक PC मीणा, सचिव वित्त सोफिया दहिया के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता TV के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट।